बिलासपुर जिला के झुनरुता ब्लॉक के दूरदराज क्षेत्रों में गोविंद सागर झील के किनारे एक टापू में चल रही प्राइमरी पाठशाला स्वच्छता में पहाड़ी राज्य हिमाचल के स्कूलों के लिए मिसाल बन गई है। जिला स्तर पर तीन और राज्य स्तर पर दूसरी मर्तबा अव्वल आंकी गई यह पाठशाला इस बार देश भर में रैंकिंग में तीसरा पायदान पाकर 50,000 रूपये व प्रशंसित पत्र प्राप्त करने की हकदार बनी है। पहले स्थान पर पांडिचेरी व दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की उच्च पाठशाला रही है। ये पुरस्कार 18 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कर कमलों से मिला। विडंबना यह है कि कुछ कमियां रहने की वजह से पिछले साल देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली ये पाठशाला इस बार रैंकिंग में थोड़ा पिछड़ने के चलते तीसरे स्थान पर चली गई है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने संकल्प लिया है कि अगली बार देश में टॉप करेंगे। आपको बता दें कि इस नंद प्राथमिक पाठशाला में दो टीचर कार्यरत हैं, जिनमें से प्रभारी के तौर पर विनय कुमारी और जेवीटी टीचर आशा राम सुमार हैं। 2004 में इस स्कूल को मिडिल का दर्जा मिला था, क्योंकि पहले नंद गांव के लोग अपने बच्चों को झंडुत्ता मुख्यालय के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन मिडिल होने से इस स्कूल में बच्चे दाखिल हुए। इस समय स्कूल में कुल 37 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। झंडुत्ता ब्लॉक की ग्राम पंचायत रोहल के अधीन नंद गांव में ये पाठशाला पढ़ती है और बच्चे भी इसी गांव व आसपास एरिया के स्कूल में पढ़ने आते हैं। ये पाठशाला गोविंद सागर झील किनारे एक टापू में है, जहां तीनों ओर से पानी ही पानी है, जबकि एक और जंगल पड़ता है। बरसाती मौसम में गोविंद सागर झील किनारे जंगल की ओर जाने वाले रास्ते में पानी भरने की वजह से नंदगांव के बच्चे मोटर बोटों के माध्यम से स्कूल जाते हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस इलाके से संचालित नंद प्राइमरी पाठशाला ने स्वच्छता क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर दी है और अन्य स्कूलों के लिए भी एक आदर्श स्कूल बन गए हैं। स्कूल में कार्यरत जेवीटी टीचर आशा राम ने बातचीत में बताया कि पिछले साल इस स्कूल को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत पूरे देश में अव्वल अंका गया था और 50,000 रूपये की इनाम राशि के साथ प्रशंसित पत्र देकर सम्मानित किया गया था। इस साल भी पाठशाला ने राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में हिस्सा लिया और पूरे देश भर में 52 स्कूलों का चयन हुआ था। खुशी की बात यह है कि देश में बिलासपुर जिला की नंद प्राइमरी पाठशाला तीसरे स्थान पर है, जबकि सिरमौर जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला धमीन 8वें नंबर पर रही। उन्होंने बताया कि नंद स्कूल में स्वच्छ पेयजल के साथ ही टॉयलेट्स फैसिलिटी के अलावा हैंडवॉश के लिए प्रतिदिन बच्चे को जागरूक किया जाता है। स्कूल भवन मेंटेन है और यहाँ के विद्यार्थी व्यवहारशील हैं। उन्होंने बताया कि जब केंद्रीय टीम ने यहाँ पहुंचकर स्कूल का जायजा लिया तो हैरान रहेगी, क्योंकि ये पाठशाला झंडुत्ता उपमंडल मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर गोविंद सागर झील किनारे स्थापित है। केंद्रीय टीम ने सभी बच्चों से अलग अलग विभिन्न विषयों पर बातचीत की और सभी तय मानकों पर खरा पाया। मैं नरेश धीमान, मुख्याध्यापक राजकीय माध्यमिक पाठशाला नंदगांव। हमारा जो विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय, इस पूरे देश में इस बार जो है द्वितीय स्थान पर रहा है। यह जो है यहाँ के अध्यापकों की वर्षों की जो है कड़ी मेहनत का फल है और एक दूरदर्शी सोच के कारण जो है विद्यालय आज इस मुकाम पर पहुँचा है। मैं विशेष रूप से श्री आसाराम जी का और यहाँ की जो मुख्य अध्यापिका मैडम है श्रीमती वीणा देवी जी, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपने वर्षों की मेहनत से जो है अपने इस विद्यालय को सींचा है, बहुत अच्छी तरह से इस विद्यालय को बनाया है, साफ रखा है और आज यह जो है देश में जो है इस मुकाम पर पहुँचा है। हम भी पूरा इनका सहयोग कर रहे हैं इस विद्यालय को साफ करने में और इस बार अगले साल जो है पूरी मेहनत करेंगे इनके साथ मिलकर, ताकि हमारा जो ये विद्यालय है ये जो है पुनः प्रथम स्थान पर आए, क्योंकि पिछले वर्ष जो है हमारा विद्यालय प्रथम स्थान पर रहा था। तो हम इस बार कड़ी मेहनत करेंगे ताकि हमारा यह विद्यालय पुनः अगले वर्ष प्रथम स्थान पर आए। हमारा स्कूल राष्ट्रीय स्तर में स्वच्छता अभियान में दूसरे स्थान पर है और जो मोदी जी ने ये स्वच्छता अभियान की मुहिम चलाई हुई है, इसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं और चारों तरफ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे टॉयलेट्स, किचन
और स्वच्छ पानी बच्चों को मुहैया करवाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारा दूसरा स्थान है और हम आगे के लिए भी भरसक प्रयत्न करते रहेंगे ताकि हमारा स्कूल अगले वर्ष प्रथम स्थान पर आए।